नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं द पब्लिश न्यूज़ के साथ। दर्शकों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी भारतीय सेना जहां एक तरफ बॉर्डर पर डटी हुई है और पाकिस्तान को आए दिन उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब देती है, जहां एक तरफ हमारी भारतीय सेना हम इंडियन लोगों की जो है बॉर्डर्स पे जो है हमारी हिफाजत कर रही है, उसी तरह से बॉर्डर के सटे हुए गाँव के लोगों के बच्चों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म भी हमारी आर्मी दे रही है। आप मेरे ठीक पीछे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे आर्मी सद्भावना के तहत यहाँ पर गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल राजपुरा कामिला, जो कि LoC के बिल्कुल नज़दीक सटा हुआ ये गांव है, इस स्कूल के बच्चों को जो है यहाँ पे आर्मी के साथ एक वॉलीबॉल मैच करवाया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि जो हमारे बॉर्डर से सटे हुए जो बच्चे हैं उन्हें जो है एक बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया जाए, जिस तरह से हमारे बाहर के बच्चे जो है उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है मुहैया होता है और वो एक अच्छे लेवल पर जब पहुंचते हैं। क्योंकि हमारा ये जो बॉर्डर से सटा हुआ ये इलाका है, ये नुशहरा सेक्टर में जो ये फाल करता है, यहाँ पे आए दिन पाकिस्तान की तरफ से ताबड़तोड़ गोलाबारी यहाँ पे होती रहती है, जिसके चलते यहाँ के बच्चे जो है सही से पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। आर्मी का एक मोटिव रहता है कि स्कूल्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो क्लासरूम की बात की जाए चाहे फिर कंप्यूटर सेक्शंस की बात की जाए, तो वो भी यहाँ पे आर्मी की तरफ से इन बच्चों को जो है यहाँ पे मुहैया करवाई जाती है। आप मेरे ठीक पीछे ये जो यहाँ पे मैच हो रहा है, इसी से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आर्मी द्वारा यहाँ के जो बॉर्डर से सटे हुए जो यहाँ के ग्रामीण हैं उन्हें कितनी सुविधाएं यहाँ पे दी जा रही हैं। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए द पब्लिश न्यूज़ के साथ, मेरे सहयोगी सुशील दत्ता के साथ राजौरी से द पब्लिश न्यूज़ के लिए मैं अंकित केसर। जैन सर, श्रीमान गेम शुरू करने की अनुमति चाहता हूँ। जैन साहब, हमारा नाम है हुकुम सिंह, मैं इधर का लोकल हूँ, रहने वाला स्कूल के नज़दीक रहने वाला हूँ। ये स्कूल हमारा रायपुर को मिला है जो बॉर्डर एरिया के नज़दीक है। यहाँ पे पाकिस्तान का गोलाबारी होती रहती है, यहाँ आर्मी की जो हमारे बच्चों के बीच जो खेल करा रहे हैं, हमें बहुत खुशी है जो आर्मी हमारे बच्चों को जो फैसिलिटी दे रही है, खेलने करा रही है। आज के ज़माने में जो है स्पोर्ट्स यानी खेल कूद किसी भी स्कूल का एक बहुत अहम मुद्दा है, और जैसा कि पुराने ज़माने में कहते थे कि अ हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड, अगर आप स्वस्थ हैं शरीर से तो आपका दिमाग काम करेगा और स्कूल में आप अच्छे से पढ़ाई कर सकोगे। इसलिए हर बच्चे की ये कोशिश होनी चाहिए कि स्कूल के अंदर 100% कम से कम एक घंटा से लेकर के एक से डेढ़ घंटा डेली स्पोर्ट्स के लिए या फिजिकल एक्सरसाइज के लिए ज़रूर कोशिश करें।
मेरा नाम है जगमीत कौर, हमारा स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल रायपुर को मिला और बॉर्डर के एरिया के पास है। इधर वैसे भी गोलाबारी होती रहती है और आर्मी वाले हमारे साथ हैं और आज ही मैच हो गया उनका और हमारा साथ वो हम देते रहते हैं। कितनी परेशानी होती है जब यहाँ पे गोलाबारी होती है? स्कूल बहुत ज्यादा होती है पर हम तभी भी स्कूल आते हैं, आर्मी वाले हमारे साथ हैं, हम तभी भी स्कूल आते हैं। खुश हमारे आर्मी वाले हमारे साथ ही हैं, साथ देते रहते हैं। तो आज भी हमारा इधर मैच हुआ है, गर्ल्स का भी हुआ है, वो आए आज भी हमारे साथ हैं। वैसे भी गोलाबारी होती है, वो इधर आ जाते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं, हम तभी भी स्कूल आते हैं। मैं पढ़ती हूँ और इस स्कूल में बॉर्डर के एरिया के पास ही ये स्कूल और इस स्कूल में गोलाबारी होती रहती है एंड इधर फौजियों की हमारी बहुत ही हेल्प है, अगर कोई भी परेशानी हो तो इधर से पास ही आ जाते हैं। तो सर अब सब ठीक है।